अब वैश्य की जीविका विशेष रूप से बता रहे हैं। कृषि वाणिज्य गोरक्षा कुसीदम तुर्जमुच्यते वार्ता चतुर्विधा तत्र वयम गोवृत्तयो निशम। कृषि वाणिज्य और गौओं की रक्षा, ये तीन जीविका के साधन है वैश्यों के लिए, और इन तीन से काम न चले किसी हालत में तो कुसीदम सूद लेना चौथी जीविका है। कुसीदम तुर्य उच्चते, सूद लेना इसको चौथी वृत्ति कही गई है। सूद लेना बहुत अधम जीविका है, वो पाप खाने के बराबर ही है वास्तव में, इसलिए इसको तुर्ज चौथी वृत्ति कहा गया है। कृषि, कृषि यदि अच्छे ढंग से होगी तो सारा संसार सुखी रह सकता है, पर्याप्त अन्न उत्पन्न हो, फल उत्पन्न हो, सब्जियां उत्पन्न हो, और गोरक्षा गायों की यदि रक्षा होगी सुरक्षा, तो उसे पर्याप्त दूध दही घी आदि होगा, जिसकी बहुत जरूरत है इस संसार में। पर आज के युग में कोई गोरक्षा करने वाला नहीं है, गायों की हत्या करने वाले जनजन भरे पड़े हैं लेकिन रक्षा करने वाले नहीं। ऐसा वास्तव में मनुष्यों ने कर दिया, गायों के पोषण के लिए न घास रहा न वृक्ष रहा कुछ नहीं, गाय रखना भार हो गया। मशीनरी ने ऐसा काम बिगाड़ा है ट्रैक्टर आदि ने कि बैलों की कोई पूछ ही नहीं है, लगता है कि उनको जीने का कोई अधिकार नहीं है, उनका कोई उपयोगिता नहीं है उनकी। पहले हम लोगों के होश में लोग बैल रखते थे कितना प्यार से अच्छा से खिला पिला, आज बैलों को लगता है कि इस दुनिया में जीने का कोई हक ही नहीं है क्योंकि उनके लिए कोई काम नहीं है। एक दिन ऐसा समय आएगा कि मनुष्यों में कुछ लोग ऐसा समझेंगे कि अन्य मनुष्यों को जीने का अधिकार नहीं है, इनको मर जाना चाहिए चाहे मारने का कोई उपाय करो, यही कहेंगे और कर ही रहे हैं। कहते हैं मनुष्यों का बहुत बड़ा भार हो गया है, ये अधिक ना जिए अधिक ना हो, और खास करके सनातन धर्मियों को कहा जाता है संख्या ना बढ़ा रहे, और जितने कंडम लोग हैं वे अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं, जितना संतान उत्पन्न करो ये करो ये करो, लेकिन ये लोग संख्या ना बढ़ा रहे। इस संसार में हो रहा है, पर एक दिन ऐसा आएगा कि एक वर्ग को ही कहा जाएगा कि तुमको जीने का अधिकार नहीं है, तुम मरो, चाहे भोजन के बिना मरो चाहे हम मार देते हैं तुमको, जैसे बैलों को मारा जा रहा है गौओं को मारा जा रहा है, तो उस दिन मनुष्यों को मारा जाएगा। और मार ही रहे हैं, गर्भ में बच्चों की हत्या करना क्या है, मारना नहीं है, गर्भ में ही मनुष्य को मत आने दो, कोई विषय विष दे करके या कोई सुई दे करके जैसे तैसे गर्भपात या गर्भस्राव किसी तरह नष्ट करो। अगर कहीं कहीं तो ऐसा होता कि जन्म ले लिया बच्चा तो जन्म लेने के बाद मार दो इंजेक्शन दे करके जैसे तैसे, ये हो ही रहा है, पर एक दिन प्रकट मारा जाएगा, इनको जीने का अधिकार नहीं है, और तब प्रकृति बदला लेगी, पूरे मनुष्यों को जीने का अधिकार नहीं है, प्रकृति मारेगी भूकंप द्वारा या और द्वारा, अति वृष्टि अति अति गर्मी भूखमरी होगी, और ये दशा आएगी, भागवत में लिखा गया है बहुत दुर्दशा होगी। और इस दुर्दशा का मूल कारण है गौओं की असुरक्षा, गायों पर ध्यान नहीं है बिल्कुल, इतना लोगों ने महंगा कर दिया सब चीज, भूसा महंगा पुआल महंगा, पुआल पहले बैलों के खुर से नरम हो जाता था दौरी करने से, अब ट्रैक्टर से दाया जाता है, पशुओं को खाने में कितना कठोर पड़ता है, लेकिन क्या करे, किसी तरह से भूख की ज्वाला शांत कर रहे हैं खा रहे, हरी हरी घास देखने को नहीं मिल रही है। गौओं की रक्षा नहीं होगी तो मानव की रक्षा नहीं हो पाएगी, मनुष्य को मरना पड़ेगा ऐसे ही। तो यह वैश्य का धर्म है कि गोरक्षा करें, गौओं की संख्या बढ़नी चाहिए, समृद्धि होनी चाहिए, और कृषि और व्यापार, एक जगह की वस्तु को दूसरे जगह पर ले जाकर के बेचना, वहां की वस्तु यहां लाना, लोगों को सुविधा होनी चाहिए व्यापार द्वारा।
कि वे जीवन की आवश्यक चीजों को आसानी से ले सकें। और ये जीविका होती है वैश्य वर्ग की, इससे उनकी जीविका चलती है। और किसी किसी के लिए ऐसा है कि अगर जीविका ऐसे न चले तो सूद ले सकता है वैश्य, कोई ब्राह्मण सूद नहीं ले सकता है, क्षत्रिय नहीं ले सकता है, वैश्य को सूद लेने का अधिकार है। लेकिन किस स्थिति में, जब ये तीनों वार्ता फेल हो जाए, तब तीनों से पोषण न होता हो परिवार का, तब सूद ले सकता है। अगर उसके परिवार की स्थिति ठीक है, चल रहा है, तो सूद नहीं लेना चाहिए। सूद लेना क्या है, मान लीजिए हम एक किलो खाते हैं, तो एक गरीब आदमी से हम अगर सूद लेते हैं तो उसका डेढ़ा ले या सवाई ले, तो इसका मतलब हम एक किलो खाए और गरीब होने के कारण वह डेढ़ किलो खाया, यही है ना। जब हमको सामर्थ्य है तो हम कम खा रहे हैं, और उसको सामर्थ्य नहीं है, बेचारे दिनहीन है, तो वो इतना खर्च कर रहा है, तो कैसे सुधरेगा, उसकी जीविका कैसे चलेगी, अच्छा से नहीं रह पाएगा। तो इसलिए सूद लेना, इसको हराम का पैसा कहा गया है, बहुत कंडम चीज है, ऐसे व्यक्ति को की बहुत दुर्गति होती है।